Hello and welcome. Standing tall, always on call, and caring for all. These are the proud men and women of the elite Border Security Force. And today, joining us for a very special program on this force is the Director General of the Border Security Force, Shri Rajni Kant Mishra. Sir, karyakram mein aapka swagat hai. So, jab hum Border Security Force ke baare mein sochte hain, and we have this vision ki very tough circumstances mein, we have these happy soldiers, men and women, who are intermingling with border populations and actually being the face of governance and the face of the center right at far-flung areas. And it's very heartwarming. So it's a real privilege, sir, to have you in the studio with us. Border Security Force ka original mandate kya tha? Thodi history batayega. Ye Border Security Force ka jo janm hua 1st December 1965 mein. Yadi aapko smaran ho, तो 65 में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया का वॉर हुआ था जी. उस वॉर के दौरान जो बॉर्डर पे जो फोर्सेस थी वो डिफरेंट स्टेट्स की अपनी रिजर्व पुलिस थी, तो उन रिजर्व पुलिस को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में रिस्पॉन्ड करना पड़ा. तब ये उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महसूस किया कि ये पर्याप्त नहीं है. उसके बाद एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर एक डेडिकेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ, जो पाकिस्तान उस समय का पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश है के बॉर्डर की निगरानी की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई जी. सो जब हम हिस्ट्री को देखते हैं और आज की तारीख में हम देखते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ फोर्स व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड इन मेनी मेनी एरियाज़ अदर देन जो हम ट्रेडिशनल रोल हमेशा मानते रहे हैं एज अ ले पर्सन कि ये वेस्टर्न सेक्टर में है और हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ में है. तो JNK में भी कोई रोल है BSF का? जी हाँ बिल्कुल, JNK इसके अलावा और भी कई रोल हैं. ट्रेडिशनल रोल, मेजॉरिटी ऑफ रोल तो ट्रेडिशनल रोल ही है जी. JNK में जो कश्मीर का हिस्सा है ज़्यादातर, कुछ जम्मू का हिस्सा हमारे फ्रंटियर के हिसाब से, वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है न कि सेटल्ड IB. तो जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल में बॉर्डर गार्डिंग की जिम्मेदारी है उस पर आर्मी और BSF दोनों साथ साथ डिप्लॉयड है. ओके. वहाँ आर्मी का ऑप्स कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल जिसे कहते हैं, और उनके और हमारे जवान आसपास के BOPs पर इंटरस्पर्स्ड हैं, एक दूसरे से एक साथ लगे हुए हैं जी. और दोनों मिलकर वहाँ पर बॉर्डर गार्डिंग का काम करते हैं जी. तो कहीं ये सच है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आर्मी की बहुत सारे एरियाज में BSF है? जी हाँ बिल्कुल. BSF यदि आप पूरे पाकिस्तान बॉर्डर को आप लें जी, तो साउथ से शुरू करें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केवल BSF ही है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. राइट. और जम्मू और कश्मीर प्रांत का जो अधिकांश हिस्सा है जो जम्मू के क्षेत्र में पड़ता है वहाँ सिर्फ BSF है. सिर्फ एक वो हिस्सा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है वहाँ पर आर्मी और BSF साथ साथ है. राइट. सो ये अगर हम टेरेन देखें, एक माउंटेनस, एक कंप्लीट डेजर्ट, एक थोड़ा मार्शी एरिया है, तो इतने अलग अलग टेरेन्स, आई थिंक द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड इज सो डिफरेंट, मेकिंग श्योर दैट द फोर्स इज रेडी फॉर पीस एंड फॉर एनी एक्सीजेंसीज ऑफ वॉर, ये कैसे करते हैं? एक्सट्रीम वेरिएशन है जी. आप पाकिस्तान बॉर्डर पर ही कश्मीर से लेकर कश्मीर का हाई एल्टीट्यूड पर हमारे BOPs हैं जहाँ पर बर्फ रहता है, और गुजरात टोटल मार्सी एरिया, क्रिक का एरिया है जहाँ पर कहीं कोई वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे BSF तैनात है जी. एक ये और प्लस आप बांग्लादेश में देखें ईस्टर्न बॉर्डर में, वहाँ भी ह्यूज वेरिएशन है, ह्यूज रिवराइन गैप्स है. ब्रह्मपुत्र की इटसेल्फ बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का जो हिस्सा सीमा लगता है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर उसकी विड्थ हो जाती है, तो उसको उस बॉर्डर को गार्ड करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है. त्रिपुरा को देखिए, त्रिपुरा के जो पूर्वी हिस्सा है जो बांग्लादेश से मिलता है, थिक फॉरेस्ट जिसमें बहुत ही डेडली मलेरिया वाले मच्छर भी हैं वहाँ पर डिप्लॉयड रहती है. तो एक वेरिएशन त्रिपुरा, असम, बंगाल, फिर गुजरात से लेकर कश्मीर तक, उसमें हम लोग अपने फोर्स का रोटेशन भी होते रहता है. जब भी नई जगह फोर्स जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक हम लोग इंडक्शन के समय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करते हैं, तो जाकर नए एरिया को, नए क्लाइमेट को,
नए टेरेन को अडॉप्ट कर सके, उसी हिसाब से ट्रेन करने के बाद इनको डिप्लॉय किया जाता है। जी, सो एक बार ही तो आई थिंक ट्रेनिंग एक टाइम होता है, पर डिप्लॉयमेंट में पता लगता है, बिकॉज दैट्स व्हेन द मैक्सिमम प्रेशर इज देयर। सो हाउ डू यू कीप अप द मोरल ऑफ द पीपल? एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है एनुअल चेंज ओवर का। जी, और हम लोगों ने जितने भी अपने जो ड्यूटीज हैं बॉर्डर की, और बॉर्डर के अलावा जो नक्सल एरिया में डिप्लॉयमेंट है या लॉ एंड ऑर्डर में डिप्लॉयमेंट है, उसको हम लोग तीन पार्ट में बांट रखे हैं, एक्सट्रीमली हार्ड एरिया एंड नॉर्मल एरिया। जी, तो हमारी कोशिश ये हो रही थी पूरी की पूरी बटालियन रोटेशन में रहे, एक जगह 2 साल से 3 साल ड्यूटी करने के बाद फिर दूसरी जगह चला जाए, सो दैट कि थोड़ा रिलीफ मिल सके, इससे उनका मोराल पे कोई असर ना पड़े। राइट, सो बीएसएफ की एक अपनी एक आर्टिलरी कंटिंजेंट है, आई नो कैमल कंटिंजेंट है, एक डॉग स्क्वाड है, आई थिंक ये अलग अलग चीज़ें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो कैसे आप, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट कि अभी ये हमारा एरिया है, हमें ये इंडक्ट करना है, ऐसे ट्रेन करना है? हर टेरेन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे हम पंजाब बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, वहाँ पर हमें पेट्रोलिंग के लिए डॉग्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पर हॉर्सबैक पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, तो हमने हॉर्सेज भी रखे हैं। अच्छा, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर कैमल पे पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, उसके लिए कैमल रखे हैं। तो उसी हिसाब से डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टेरन हम लोगों ने अपने डिफरेंट विंग्स को रखे हैं। आर्टिलरी का हमारे पास है विंग जो कि हमारे ऐसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉयड है जहाँ जरूरत पड़ने पर हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में रियली काम कर सके। राइट, सो टेक्नोलॉजी का रोल क्या है फोर्स की अपग्रेडेशन में? मैम, टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इज बेसिकली ए फोर्स मल्टीप्लायर। एब्सोल्युटली, आप एक बटालियन की आप जिम्मेदारी को देखें तो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली 40 से 45 किलोमीटर के बीच में होती है। जी, और एक बटालियन का जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, जो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं एग्जैक्टली, वो 600 के आसपास रहता है, बाकी रोटेशन में रहते हैं, सपोर्ट सिस्टम में रहते हैं। तो 600 लोगों के लिए 45 किलोमीटर के एरिया को फिजिकली कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली, तो उसमें टेक्नोलॉजी कम्स टू आवर हेल्प। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती जा रही, पहले ऑप्टिकल कैमरा से या फिर कुछ रडार्स के सिस्टम थे, अब हम लोगों ने HHTI हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स यूज़ कर लिए हैं जो रात में काम आते हैं, जो थर्मल इमेजर्स कैप्चर करते हैं, डे नाइट कैमराज आ गए हैं, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स आ गए हैं, उन सेंसर सबको इंटीग्रेट करके एक एक हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वी कॉल इट CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। जी, जिसमें डिफरेंट सेंसर्स के जो फीड हैं एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में आता है, वहाँ एक मॉनिटर है, वहाँ पर मालूम हो जाता है कि किस एरिया में कहाँ पर मूवमेंट हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास हुआ है या कहाँ कोई परेशानी हुई है। जी, उसी हिसाब से हमारे क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। राइट, सो आई थिंक इंश्योरिंग, क्योंकि दूर दराज के इतने इलाके हैं, इंश्योरिंग दैट क्विक कम्युनिकेशन हैपेंस, बिकॉज़ जी फाइनली दैट, बिल्कुल, हाँ जी, जो फीड तभी आएगा जब हमारे पास वो सेंसर कोई सिस्टम कम्युनिकेशन का होगा। जी, और उसके बाद हम डायरेक्शन देंगे, वो भी कम्युनिकेशन के माध्यम से देंगे। जी, जो फोर्स वहाँ डिप्लॉयड है वो रिएक्ट करेगी। जी, सो जब भी हम कोई यूनिफॉर्म देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यूनिफॉर्म इज़ देयर एक्चुअली फॉर वॉर टाइम एंड दैट, बट हम ये भी रियलाइज़ करते हैं कि वॉर टाइम तो लेस होती है, पीस टाइम ज़्यादा होती है, और BSF का रोल पीस टाइम में बहुत अहम रहा है, कुछ वो शेयर करिएगा। बिल्कुल, मैम सही पूछा, इनफैक्ट BSF का रोल वेल डिफाइंड है पीस टाइम के लिए और वॉर टाइम के लिए, इनफैक्ट कोडिफाइड है कि पीस टाइम में क्या करना है हमें और वॉर टाइम में क्या करना है। राइट, पीस टाइम में हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ के जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंस्टील कर सके कि वो सुरक्षित महसूस करके अपना काम करते रहे। रेगुल अभी हमारी जो फेंसिंग लगी हुई है, जी, हमारी फेंसिंग 0 लाइन से 150 मीटर्स पीछे होती है, और किसान उस जिस गांव में फेंसिंग है उस गांव के किसानों की जमीन 150 मीटर्स के बियॉन्ड भी है, जीरो लाइन तक है, तो उन्हें खेती तो करनी है वहाँ पे। जी, वो खेती तभी कर पाएंगे जब वो सुरक्षित महसूस करेंगे, और वो सुरक्षा की भावना उन्हें BSF देता है। जी, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये है हमारा। जी, दूसरा कुछ ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं जो कि क्रिमिनल्स अक्सर उसको परस्यू करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड इकोनॉमी, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग, गन रनिंग, नकली नोटों का चलन, ये सब जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं उस क्राइम्स को चेक करने में BSF की भूमिका बड़ी अहम है।
बीएसएफ को अपनी भूमिका निभाने के लिए लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और सपोर्ट आई थिंक लिया नहीं जा सकता है, इंस्पायर होता है, दिया जाता है. तो ये फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ऑफ एक्चुअली इंश्योरिंग कि वो घुल मिल जाएं, ये कैसे करते हैं? मैडम, ये आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि सपोर्ट लिया नहीं जा सकता, सपोर्ट जीता जा सकता है. बिल्कुल. और जीत सकते हैं एक विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड. विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड तभी हो सकता है लोकल पॉपुलेशन का, जब हम सिर्फ वचन से नहीं अपने कर्मों से इस बात का एहसास दिला दें कि मैं आपके साथ हूँ. सो ट्रू. उनके साथ हम न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनके ज़रूरतों को हम समझते हैं, और जहाँ आवश्यकता होती है हम ज़रूरतों की पूरी करते हैं. जैसे कभी हर गांव में जो बॉर्डर किनारे है, रात में कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी, हम लोगों ने एम्बुलेंसेज तैनात अपने BOP पे दे रखे हैं सिविल पॉपुलेशन के मेडिकल इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करने के लिए. ब्यूटीफुल. बीच बीच में हम मेडिकल कैंप्स लगाते रहते हैं, जिससे कि कोई भी दूर दराज से नहीं जा पाता है हॉस्पिटल, तो उसको वहीं हम इलाज के लिए प्राइमरी इलाज कर सके. जी. इसके अलावा बहुत से हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, भारत सरकार उसके लिए फंड भी देती है, जिससे हम लोकल पॉपुलेशन को हेल्प करते रहते हैं. राइट. सो ये एक्चुअली ये बहुत आसान नहीं है कि आप किसी पर्सन इन यूनिफॉर्म को एक फोर्स की तरह भी देखें और एक फ्रेंड की तरह भी देखें, और आई थिंक ये संतुलन बनाना, टू से दैट आई नीड टू बी रिस्पेक्टफुल एंड येट नीड टू मेंटेन अ डिस्टेंस एंड येट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग वगैरह कुछ दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है. ये दुर्भाग्य है कि वर्दी को एक जनरली एक नेगेटिव डिटरेंट के रूप में देखा जाता है जी, और अभी तक उसके पॉजिटिव फ्रेंड रक्षक के रूप में वो अब तक पूरी तरह उभर के नहीं आया. लेकिन मैं आपको बता दूँ, BSF एक ऐसा फोर्स है, मैंने खुद भी महसूस किया, एक्सपीरियंस किया है. मेरा पहले, मैं इस पोस्टिंग के पहले 4.5 साल BSF में कार्य कर चुका हूँ जी, कि जब राजस्थान, जैसे राजस्थान बॉर्डर पर जितनी बार मैं जाता हूँ, वहाँ के बच्चे खड़ा होकर हाथ हिलाते हैं और बड़ी खुशी से वो नारे लगाते हैं, दे आर सो हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ BSF. ये तभी संभव हो पाया है जब हमने अपने काम से, अपनी भूमिका से उनको आश्वस्त कर दिया है कि हम लोग उनके रक्षक हैं, उनके सहायक हैं, उनके मददगार हैं. राइट. और आई थिंक आजकल हम सारे रिश्तों को देखिए तो कहीं ना कहीं कोई एजेंडा ढूंढता है, एंड BSF रियली हैज़ नो एजेंडा बट टू से वी वांट टू प्रोटेक्ट यू एंड मेक योर लाइफ बेटर, हेल्प अस मेक योर लाइफ बेटर. जी बिल्कुल सही कहा. आई थिंक पूर्णतः निस्वार्थ. जी. और आपने ये भी सही कहा कि ये जिया जाता है, ये आप पब्लिसिटी एडवोकेसी से, मैसेजिंग से नहीं कर सकते. नहीं कर सकते हैं. ये आप करके ही दिखा सकते. आप करके दिखा सकते. एक बार जिसके साथ अब किसी फैमिली में किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी रात में, आपने प्रोवाइड किया, उनको मेडिकल हेल्प दिया, उसको याद रखेगा. राइट. अब वर्ड ऑफ माउथ से ये सबको पता चल जाएगा कि हमारे इस क्राइसिस में BSF हमारे साथ था. राइट. यू नो एक्चुअली आपने बहुत गहरी बात कही, क्योंकि सोशल मीडिया प्रचार, एडवोकेसी, बिल्डिंग, पब्लिसिटी, आजकल इस जगह में बहुत सारे लोगों का एफर्ट जा रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, बट किसी का जो एक्सपीरियंस होता है विथ दैट पर्सन इन यूनिफॉर्म, वो एक्सपीरियंस एवर लास्टिंग मेमोरी होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. और अगर पॉजिटिव है तो कोई कुछ भी नेगेटिव बता दे वो इंसान मानता नहीं है, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव रहा. बिल्कुल सही आपने कहा जी. और लोग शेयर भी करते हैं जी, सोशल सोशल मीडिया पे लोग अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो BSF के साथ है वो शेयर करते हैं, और दैट हेल्प्स अस अ लॉट. राइट. सो हम लोग तो सेलिब्रेट करते ही हैं, वी सेलिब्रेट द BSF, बट 1st of December इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द रेजिंग डे ऑफ द BSF. जी हाँ. सो इंटरनल सेलिब्रेशंस के बारे में कुछ बताइए. देखिए, एज अ कंट्री We really value you and celebrate you, but कुछ internal celebrations? हम लोग 1st December हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, हमारा रेजिंग डे है जी. हम लोग हर स्तर पर सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ दिल्ली में जो फोर्स हेडक्वार्टर है, बल्क मुख्यालय जी, यहाँ से लेकर और BOP स्तर तक सेलिब्रेट करते हैं. जनरली सेलिब्रेशंस का पार्ट है कि यहाँ दिल्ली में हम लोग एक भव्य परेड का आयोजन करते हैं, और भव्य परेड के बाद हमारे जो एक साल में लड़कों ने अच्छा कार्य किया है जी, जिन ग्रुप ने अच्छा कार्य किया है उनको प्राइज देते हैं, मेडल देते हैं, और अपने जो हमारे वेलविशर्स हैं सबको इनवाइट करते हैं, उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं कि सब हम लोग हमारी खुशी में वो भी शामिल हो सके. और यही लगभग हर जगह अपने अपने स्तर पे वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के साथ लोग इंटरेक्ट करके सेलिब्रेट करते हैं. राइट.
In fact, BSF ki tadad, it's like more than 2.65 lakh people now. Aur ek force ko gathit rakhna, inspired rakhna aur fully trained rakhna is never an easy challenge. So, in terms of grievance redressal, because jitne log hain, problems bhi aayengi, family wale log hain, alag-alag rehte hain. So, internal grievance redressal system kya hai? Hamare kuch traditional systems bhi chale hain. Traditional system jaise hai ki har astar pe hamare adhikari अपने साथियों के साथ बैठकर उनसे बातचीत करते हैं, जो नए डेवलपमेंट्स फोर्स की हैं उसके बारे में बताते हैं, उनसे व्यक्तिगत परेशानी उनके बारे में पूछते हैं. तो दैट इज इंस्टेंट फर्स्ट लेवल रिड्रेसल बाय द ऑफिसर्स एट द कटिंग एज. ओके. इसके अलावा टेक्नोलॉजी के आने से हमें कई फ़ायदा हो गया है. हम लोग हेल्पलाइन सिस्टम ग्रीवांसेस के लिए बनाए हैं. हम लोगों ने ऐप डेवलप कर लिए हैं, किसी ऐप पे जो जाकर अपने ग्रीवांसेस को पोस्ट कर सकता है जी. और ट्रेस कर सकता है कि उसके ग्रीवांस का क्या हुआ. ट्रैकिंग का सिस्टम है, एक ग्रीवांसेस किस स्तर पे जाएगा ऑटोमेटिकली, आगे उसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो आगे मूव कर जाएगा. तो हम लोग हर ग्रीवांस को मॉनिटर करते हैं, जो भी ग्रीवांस किसी ने रेज किया है उसका लॉजिकल एंड तक ले जाते हैं. राइट. आज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबडी टुडे इज अ जॉब, अ लाइवलीहुड. और जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, आप ये भी जानते हैं कि स्किल बिल्डिंग इज़ वेरी क्रिटिकल. एज अ फोर्स आई थिंक बीएसएफ इज़ ब्लेस्ड विद द एबिलिटी टू डिसिपेट स्किल बिल्डिंग, टू गेट मोर पीपल टू कम इनटू दिस. तो स्किल बिल्डिंग में भी कोई एफर्ट होता है ऑफ द लोकल पॉपुलेशन? लोकल पॉपुलेशन को जो अनएम्प्लॉयड यूथ है बेसिकली जी, उनको हम कई तरह से ट्रेन करते हैं. जैसे आपने स्किल बिल्डिंग कहा, जहाँ लोकल स्किल उनको प्रोवाइड कर सकते हैं विद हेल्प. हमारा एक एमओयू भी साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से, और उस एमओयू के तहत उनकी मदद से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर स्किल डेवलप कर सके, जिससे कि उसी अपना खुद कोई व्यवसाय शुरू कर सके या कहीं कुछ नौकरी कर सके. राइट. इसके अलावा एक जनरली अब रिमोट एरियाज में जहाँ पर फोर्सेज हैं, लोग एक दिल में उस फोर्सेज को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखती है. जी बिल्कुल. तो इसके लिए हम लोग जो एबल, हम लोग अब स्क्रीनिंग करने के बाद में जो लोग इसमें सक्षम हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, उनको हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं लोकल एरिया से आके. और अपने यहाँ उनको ट्रेन करते हैं सो दैट कि अगले किसी सिलेक्शन प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सकें और सेलेक्ट हो सकें. राइट. सो अब ये भी करते हैं, कोई वेस्ट का बंदा लो हायर करें, उनको बिल्कुल दूसरी जगह में भेज दें ताकि थोड़ी इंटीग्रेशन भी हो, कि नॉर्मली लोगों को अपने लोकल एरियाज में ही रखते हैं. जब हमारे अपने यहाँ सिलेक्शन जब हो जाता है, उसके बाद इनिशियल ट्रेनिंग के बाद कोशिश हमारी ये रहती है कि जहाँ जैसी वैकेंसी है उसी वैकेंसी के आधार पर पोस्ट करें. और BSF जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. बिल्कुल. हमारे आप किसी बटालियन में चले जाइए जी, आप पूछिए कि किस स्टेट के कितने लोग हैं, आपको लगेगा कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है. सो फॉर अस होल इंडिया इज वन. राइट. वेरी ट्रू. एंड अनदर टाइम व्हेन द BSF कम्स टुगेदर एज वन विद द कंट्रीज ड्यूरिंग डिजास्टर्स, आपकी तीन बटालियंस भी अलग हैं डिजास्टर रिलीफ के लिए, तो कुछ इस रोल के बारे में शेयर करिएगा. ये आपने सही फरमाया, हमारे 192 बटालियंस में तीन बटालियन हमारे डिजास्टर के लिए ट्रेंड है, जिसको NDRF मैनेज करती है. अब उन ऑपरेशनल कंट्रोल पूरा NDRF का है, उनको ट्रेन कर दिया गया है. और वो इसके अलावा NDRF के रिस्पांस के अलावा जो BSF कहीं कहीं डिसास्टर्स में फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहती है, क्योंकि वहाँ BSF ही प्रेजेंट है, वो रिस्पॉन्ड कर सकती है. NDRF को आने में कुछ वक्त लगेगा, बाकी फोर्सेस को आने में वक्त लगेगा. ऐसे में जैसे कश्मीर में फ्लड आया था, तो उसमें कश्मीर के फ्लड में वहाँ इवैक्यूएशन करना, लोगों के लिए कैंप्स लगाना, उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाना हम लोगों ने किया था. हर जगह जहाँ भी हम मौजूद हैं. आई थिंक कश्मीर का तो केस इज लेजेंडरी, बिकॉज जो गुडविल बिल्ड किया था, आई थिंक दैट हैज परमिएटेड नॉट ओनली विद द BSF बट इन एनी पर्सन इन यूनिफॉर्म इज नाउ सीन विद दैट लाइट. इफ आपको याद हो भुज में एक अर्थक्वेक आया था जी, मुझे रिपब्लिक डे के दिन की बात है बिल्कुल जी. अब जहाँ तक मुझे याद है 2002 या 2001 का वर्ष है, वो साल याद नहीं आ रहा है. उसमें भुज में चूंकि BSF का अच्छा प्रेजेंस है, तो भुज के शहर में उस डेवास्टेशन के बाद BSF फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में बहुत अच्छा कार्य की थी. ट्रू. और आई थिंक भुज हैज टू बी वर्चुअली रीबिल्ट पूरा. उसमें तो फिर बाकी पीपल केम इन. राइट. आई थिंक फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि हम मौजूद हैं वहाँ पे, हम ट्रेंड हैं और हम सस्पेक्टेड हैं और हम करते हैं, अच्छा भी लगता है.
सो आपने बोला ना वर्दी की एक परसेप्शन है और वो थोड़ी आप आई वोंट से नेगेटिव है, पर आई थिंक थोड़ा लोग डिस्टेंस से देखते हैं. पर वर्दी की देखिए पॉजिटिविटी, देयर इज डिसिप्लिन, देयर इज अ रेजिमेन, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दैट. सो यूनिफॉर्म स्टैंड्स फॉर सो मेनी थिंग्स, यू नो, दैट्स ब्यूटिफुल. आई थिंक आपकी जो पर्सनल जर्नी रही है इन द यूनिफॉर्म, कैसे आप आए, IPS के हैं आप, सो हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे वर्दी पहननी है? आपने अपना मास्टर्स भी किया हुआ है, क्यों दूसरी लाइन नहीं, क्यों प्रोफेसर नहीं बने, क्यों एक इंजीनियर नहीं बने? मैम इनफैक्ट मैं MSc करने के बाद मैंने MPhil ज्वाइन किया था जी. उसके बाद मैंने एक साल आई वॉज टीचिंग एज लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी पटना यूनिवर्सिटी. अच्छा, पढ़ाया आपने? जी, एक साल मैंने पढ़ाया भी जी. और सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर उसमें जो सर्विस अलॉट हुआ IPS, एंड अलॉटमेंट के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई बिकॉज आई लव दिस यूनिफॉर्म. उसके पहले मैं NCC में हर लेवल पे ज्वाइन किया हुआ था, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, सी सर्टिफिकेट तक मैंने होल्ड किया हुआ था. तो यूनिफॉर्म पहले से मैं पहनता चला रहा था, तो IPS मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और फिर UP कार्डर मिल गया, फिर इस जर्नी मेरी वहाँ से प्रारंभ हो गई जी. राइट, डिपुटेशन पे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फोर्सेज में आते हैं UP में, लेकिन ज़्यादातर समय मेरा UP में रहा. उसके बाद डिपुटेशन पे हम पहली बार मैं CBI में काम किया 7 साल जी, फिर वापस UP गया, दोबारा फिर BSF में आया. यहाँ 4.5 साल कार करने के बाद पिछले एक वर्ष में DG SSB था, और 1 अक्टूबर से मैं DG BSF का कार्य देख रहा हूँ. सो कुछ वेलफेयर मेजर्स अपने जवानों के लिए, वो शेयर करिएगा हमारे साथ. बिल्कुल, वेलफेयर में का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है, जो जहाँ कार्य कर रहा है उस कार्य करने में एक कंजीनियल इन्वायरमेंट मिले उसको, बहुत ज़रूरी. BOP जैसा कि आपने खुद ही कहा, बड़े ही डिफ़िकल्ट जो ट्रेन में है जी, तो हमारे जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ हमारे साथियों के लिए रहे, ये बहुत बड़ा वेलफेयर मेजर होता है, क्योंकि उनका फ्रेम ऑफ माइंड इज सो क्रिटिकल टू देयर परफॉर्मेंस. जी, तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि BOP पे पीने का पानी, बिजली, उन पर कम्युनिकेशन के साधन और जो बेसिक एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो वहाँ मौजूद रहें जी. इनफैक्ट भारत सरकार ने तो एक कंपोजिट BOP की परिकल्पना की है और सैंक्शन भी किया है, और 422 कंपोजिट BOP BSF के सैंक्शन भी हैं, जिसमें 211 का निर्माण हो चुका है, बाकी का निर्माण चल रहा है. कंपोजिट BOP से मेरा तात्पर्य है उस BOP में डिफरेंट डिफरेंट सुविधाओं को लें तो कुल 17 एलिमेंट होने चाहिए. ओके. जिसमें उनका बैरक, उनके इंटरटेनमेंट की जगह, उनके कुक हाउस, उनके डाइनिंग हॉल्स, उनके टॉयलेट ब्लॉक्स, उनके जनरेटर रूम्स, सारी चीज़ें. तो अभी ऐसे हमारे 422 कुल कंपोजिट BOP कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे. ओके. और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले समय में जो पूरे 1901 BOP जो हैं वो सब के सब कंपोजिट BOP के स्टैंडर्ड तक अपग्रेड हो जाएं. राइट. एक सबसे बड़ी मूलभूत जो हम वेलफेयर ये है जी, बिल्कुल. दूसरा उनका वेलफेयर है कि उनकी जो फैमिली पीछे रहती है, यदि उनके बारे में हम ध्यान रखें जो हमारी कर सकते हैं, तो उसमें कुछ फैमिलीज़ बटालियन हेडक्वार्टर में रहती हैं, वहाँ क्वार्टर्स बने हुए हैं, उनका ऑथराइजेशन हमारे हर बटालियन में लगभग 342 क्वार्टर्स का ऑथराइजेशन है. कुछ फैमिली उसके अलावा अपने मूल स्थान पर रहती है, तो हमारी कोशिश है कि सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन कुछ अच्छे जगह पर, ऐसी जगह बन सके जहाँ पर उनकी फैमिली रह के बच्चों को पढ़ा सके एजुकेशन. बिल्कुल. तो हम लोग कुछ नए SFAs का निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं. तीसरी हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे साथी अपने ड्यूटी के दौरान घायल हो गए या दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार का भी देखभाल हम कर सकें. तो इस तीनों पे हम लोग हर समय हर तरह से कार्यरत रहते हैं, और पूरी कोशिश रहती है कि इसमें 0.1% भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. नहीं हो. राइट. बिकॉज आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स पीपल. यस. राइट. इससे पहले कि हम आपको थैंक यू बोलें सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे नॉट ओनली फॉर द पर्सनल ऑफ द BSF बट जनरली फॉर द कंट्री? मैसेज हमारे अपने श्रोताओं के, अपने दर्शकों के लिए और साथ साथ अपने फोर्स के, उनके परिवारजनों के लिए यही है कि हर समय जो एक्सपेक्टेशंस हमसे की जाती रही है, जिस पर हम पास्ट में खड़े उतरे हैं, और मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि भविष्य में भी उन कसौटी पे हम खड़े उतरेंगे जी. ऐसी मेरी सोच है, ऐसी कोशिश है, और
मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप ऐसा सक्सेस कर सकें, इसके लिए आप मेरे लिए दुआ कीजिए। वंडरफुल। और आप सपोर्ट क्या मांगते हैं, क्योंकि हम लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप आम आवाम से सपोर्ट क्या मांगते हैं? विश्वास। ब्यूटिफुल। सर विश्वास है, गर्व है हम सबको, एंड आई थिंक हमारे निजी जीवन में सुख और शांति है क्योंकि आप अशांति को दूर रख रहे हैं। तो इसके लिए आई थिंक पूरे देश से हार्दिक धन्यवाद हम सब की तरफ से। बहुत बहुत बधाई हर एक रेजिंग डे पे, ना कि इस पे, खूब फूले फले। और आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी विथ द कंट्री। एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो होता है हम सब में जिंदा है आप लोगों की वजह से। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।